उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार के पास जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया जिस कारण ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। यात्रियों ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते ट्रेन से बाहर देखा तो ट्रेन के इंजन में आग लगी देख यात्रियों में भगदड़ मच गई, जिसमें कई यात्री मामूली रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। आग लगने की सूचना पर हापुड़ रेलवे के कर्मचारी सहित मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ रेलवे अधिकारी व कर्मचारी आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट। स्वामीनाथ, मैं मुरादाबाद से गाजियाबाद जा रहा था जी। अभी ये ट्रेन नंबर 15529 है, सहरसा से आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस जी। इस ट्रेन में अभी जैसे ही हम लोग चल रहे थे, धुआं सा आया, स्मेल आने लगी, सभी लोग एकदम अचानक पावर ब्रेक लगी जी। इस पावर ब्रेक की वजह से जैसे ही हम लोगों ने खिड़की से या फिर गेट से ओपन करके देखा, आगे से बहुत तेजी से लपटे उठ रही थी आग की जी, जिसकी वजह से एकदम ही हम लोगों ने सारी शॉक्ड हो गए। और जैसी ट्रेन रुकी सब भगदड़ मचने लगी, सबके सब भागो भागो करने लगे।